जब इसने अपने बाप शाहजहाँ को नज़रबंद किया तो सारी सल्तनत ने इसे इक्तदार का भूखा समझा, पर तख्त इक्तदार संभालने के बाद वही लोग इसके गुनगाने लगे और आज भी इस मर्द मुजाहिद का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाता है। अय्याश मुगलिया सल्तनत किस तरह इस्लाम की तरफ लौटी, आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। हिस्टोरिकल इन्फो में खुश आमदीद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर, इनका अरसा इक्तदार 1658 से 1707 तक रहा और अरसा हयात 1618 से 1707 तक रहा। मुगलिया सल्तनत का छठा और आखिरी बड़ा बादशाह, जिसके दौर में आज के दौर का तकरीबन पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ज़ेर-ए-नगी थे। तकरीबन 19 सदी तक हुकूमत करने वाले इस रासिखुल अकीदा सुन्नी मुसलमान हाकिम से गैर मुस्लिमों को खासा बुग़्ज़ और अदावत थी, क्योंकि मुबैना तौर पर इसने जजिये का कानून नाफिज किया था और हिंदुओं के कई मंदिर बसमार्क भी किए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी फ़ौज में बड़ी तादाद हिंदू राजपूतों की थी। इसकी ज़िंदगी के आखिरी तीन अशरे सिर्फ दक्कन मुहिमों पर सिर्फ हुए, जहां मराठों ने इसे एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया था। औरंगज़ेब का एक बड़ा कारनामा फतावा आलमगीर है, जो इस वक्त के उल्मा की मदद से इस्लामी फ़िक्ह की एक बेहतर बहुत मोतबर किताब है। आलमगीर एक सख्त गिर हुक्मरान तो था ही, लेकिन इक्तदार की खातिर इसने बड़ी बेदर्दी से और संगदिली के साथ अपने तीनों भाइयों को भी कत्ल किया था। अपने ही बाप शाहजहाँ को नज़रबंद करके हुकूमत छीन ली थी। 89 साल की उम्र में 49 साल तक हुकूमत करने के बाद इंतकाल कर गया था। इसका मकबरा मौजूदा रियासत महाराष्ट्र के मकाम खल्दाबाद में दफन हुआ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हों तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम ऐसी मज़ीद वीडियोस आपके लिए बना सकें। शुक्रिया।